हाँ तो बेटा, बात करते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर की, और सर्कल के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। तो पिछला वीडियो जो है वो हम लोगों ने बात जो की थी वो पॉइंट पोजिशन ऑफ पॉइंट के बारे में बात कर ली थी, कि मतलब सर्कल के अंदर पॉइंट लाई करता है या ऑन द लाई करता है या आउटसाइड लाई करता है, ठीक है ना। तो अगर आपने यहाँ तक का वीडियो कंप्लीट कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ तक के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, कि अगर मान लीजिए कोई भी सर्कल है और सर्कल को एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, या सर्कल जो है एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बताना होता है ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके चल, तो हम बात करने जा रहे बेटा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो सिंपल सी इक्वेशन होती है बेटा, हमारे पास इक्वेशन होती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड अब प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है। अगर मान लीजिए ये सर्कल जो है एक्स को कट करेगी, ध्यान से देखिएगा, हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए सर्कल कुछ इस टाइप से है और ये कट कर रही है, ठीक है ना, ये वाई हो गया, एक्स हो गया, कट कर दिया। तो कट किया तो ये पॉइंट ए हो गया, और इस पॉइंट को मान लीजिए बी पॉइंट है, ठीक है ना। ए और बी की लेंथ आपको निकालनी होती है, ध्यान रखिएगा, आपको ए बी की लेंथ निकालनी होती है, ए बी निकालना है। तो ये दो पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। तो इस पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा हमेशा कि वाई जीरो होगा, जैसे मान लीजिए ये एक्स टू है और ये जो पॉइंट है ये एक्स वन का मान जीरो है। मीन्स जब भी बात हो रही होगी कि इंटरसेप्ट कौन कर रहा है, एक्स कट कर रहा है, तो एक्स कट करेगा तो इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, और आपको यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो वाई अगर आपने जीरो कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई जीरो होने के बाद आपके पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसने इस इक्वेशन ने दो पॉइंट पे इसको कट किया है तो इट हैज टू रूट्स, इट हैज टू रूट्स, ओके। और रूट्स मान लीजिए x1 और x2 है, x1 x2 मान लिया, तो सम ऑफ रूट्स आपको मालूम है, सम ऑफ रूट्स निकालना। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है माइनस बी अपॉन है, तो मतलब माइनस का 2g हो जाएगा। एंड अब प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में बात करें तो एक्स वन एक्स टू की जो वैल्यू आएगी दैट इज अ सी, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स वन माइनस एक्स टू, और यही वैल्यू एक्चुअल में ए बी है, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला एक याद रखना है आपको, एक्स वन प्लस एक्स टू होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स एक्स वन एंड एक्स टू। अगर आपने ये कर लिया तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और ये एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 4g² माइनस 4c, मीन्स वी गेट 2 कॉमन हो गया, और अंडर रूट के अंदर क्या गया बेटा, g² माइनस का c, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो गया। तो बहुत आसान सा आर्टिकल है, तो आपको ये से ध्यान रखना है 2 times इन रूट ऑफ g² माइनस c, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग कि अगर वाई एक्सिस पे होता ये क्या होता, वाई पर होता, तो वाई पे अगर होता तो इसका मतलब है वाई एक्सिस के थ्रू अगर बात की जाती तो सिंपल सा केस ये था कि वाई पे बात की जाती तो सेम टाइप्स होना चाहिए था चीज़ें, ये सर्कल हो जाता, ठीक है ना। और ये कहाँ कट करता बेटा, ये वाई वन और वाई टू पे कट करता, वाई वन वाई टू पे कट करता, और यहाँ पे एक्स के थ्रू 0 हो जाती। तो इक्वेशन जो आती है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0 आता। और सेम मैनर अगर आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालते हैं ऑन y एक्सिस, तो ऑन y एक्सिस के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 times इन रूट ऑफ f² माइनस का c, क्योंकि बस चेंज क्या है बेटा, g की जगह क्या लगा हुआ है, f लगा हुआ है, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो क्वाड्रेटिक के बारे में बात हो गई, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आपको कैसे निकालना है। चलिए तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके बारे में, कि इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो इक्वेशन है हमारे पास द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y और प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, एंड अ कट वाई एक्सिस,
कट किसको करता है बेटा, वाई को कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट किसकी निकालनी है हमें, वाई एक्सिस की निकालनी है, ठीक ना। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है, इंटरसेप्ट निकालना है। तो सिंपल अगर आप बात करते हैं इंटरसेप्ट का, तो टू इन रूट ऑफ क्या ना चाहिए था, फॉर्मूला क्या था, टू इन रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस का सी। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। वाई को कट किया तो एक्स के रूप को जीरो कर लिया आपने, क्या कर दिया, एक्स के रूप को जीरो कर दिया। तो यह आ गया वाई स्क्वायर माइनस का सेवन वाई और प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए तो आपको वाई माइनस थ्री मिल जाएगा एंड ऑफ वाई माइनस का फोर इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो वाई की वैल्यू आपको मिल गई फोर एंड ऑफ थ्री। और इसके बीच की अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या आएगी बेटा, वन आएगी, तो वन इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अदरवाइज आपके पास फॉर्मूला अगर है तो क्या कर सकते हैं, टू इन रूट ऑफ एफ की वैल्यू देखिए, वाई का जो कोफिशिएंट होता है इसका हाफ करते हैं बेटा, तो सेवन बाई टू का स्क्वायर मतलब 49 बाई 4 हो गया। और माइनस बात करते हैं सी की, तो सी का मतलब है 12। तो देखिएगा यहाँ पे वैल्यू आएगी टू इन रूट ऑफ 49 माइनस 48 मतलब 1 बाई 4। कैलकुलेट कीजिए बेटा, 1 आ जाएगी इसका भी आंसर। तो फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो आप इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो बेसिक पैटर्न है आपका। ओके, बात समझ में आ गई है, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा इसी में। हाँ तो बेटा बात करें हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, और बात करनी है हमने को एक्चुअल में द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय अ लाइन टू अ सर्कल, अगर एक सर्कल दे दिया गया बेटा और आपसे कहा गया है कि एक लाइन जो है ये इसको कट कर रही है, ठीक ना। इस सर्कल को अगर एक लाइन कट कर रही है तो हमें क्या करना है बेटा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट के बारे में बात करनी है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि कभी भी आपको सर्कल अगर दी गई है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये सर्कल दी गई है और इसको एक लाइन कट कर रही है, दिस लाइन विल बी कट, ओके। तो लाइन क्या हो गया बेटा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, ठीक ना। और इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर होगा जीरो जीरो, ठीक है। और मान लीजिए पॉइंट है पी एंड क्यू पे कट कर दी, ध्यान से देखिएगा, पी एंड क्यू पे कट कर दी है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सी सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर। मान लीजिए पॉइंट एम है और इसका सेंटर मान लीजिए ओ है, तो लेंथ आप परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं। तो अगर बात की जाए ओ एम की, तो ओ एम का मतलब ये हो गया लेंथ आप परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिएगा, लाइन की इक्वेशन है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसमें हम बात करें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से तो क्या करते हैं बेटा, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉन्स्टेंट ए बी का स्क्वायर होता है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम स्क्वायर प्लस का वन। दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, ओके। नाउ अगर हम बात करें कि अगर ओ पी के बारे में, तो ओ पी इज अ रेडियस, ओ पी क्या होगा बेटा, रेडियस होगा। तो OP इज इक्वल टू रेडियस मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, A हो जाएगी। तो हम PM के बारे में अगर बात करें, PM व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PM, तो PM अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो PM के बारे में बात करें, PM का मतलब हो गया OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर इन रूट, ओके। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ओ पी की वैल्यू जो है वो ए है, ए स्क्वायर माइनस ओ एम का मतलब हो गया सी स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, विच इज द वैल्यू ऑफ पी एम। और एक चीज़ आपको पता है कि अगर सेंटर से किसी भी लाइन पर या किसी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको बाइसेक्ट करती है, कि आप लोगों ने क्लास टेंथ में एज अ थ्योरम पढ़ी हुई थी, ठीक ना, ये थ्योरम साहब ने पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पी क्यू के बारे में बात करें, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मीन्स वैल्यू क्या होगी, टू टाइम्स पी एम हो गया, और ये वैल्यू हम लिख सकते हैं टू टाइम्स इन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज़ तो देख समझ में आ रही होगी कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है तो आपको क्या करना होता है, सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी होती है, रेडियस निकालनी होती है, और जस्ट क्या करना होता है, आप इसके पी एम की वैल्यू को मतलब इसके कॉर्ड के हाफ को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तब देखिए इक्वेशन कैसी भी हो, इक्वेशन आपको कैसी भी दे दी जाए, सेंटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना।
अगर सेंटर मान लीजिए, अब जैसे कि अगर हम लोग इक्वेशन लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, ठीक ना, और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर हमने ये लिया है तो इसका सेंटर आपको पता है, सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, तो ये सेंटर हो गया, और इसकी रेडियस आपको मालूम होती है इन रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस होती है। तो इस केस में भी क्या करना है, सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, रेडियस आपको दी गई है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है और यहाँ पे आप जनरल का काम कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग इसके लिए एग्जांपल्स ले सकते हैं और समझते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाए। ओके, बात किया जाए, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिखेंगे और देन उसके बारे में बात करेंगे। हाँ तो बेटा जी, बात करें हम नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जांपल ले रखा हमने, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस वन 4x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है बाय द सर्कल दिस वन दिया गया, ठीक ना। तो अब आपको ये समझना है कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो सकती है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला तो देख लिया है, फॉर्मूले के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, ठीक ना, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट मैथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये सर्कल है, सर्कल हमने कुछ स्टेप्स ड्रॉ कर लिया जिसको एक लाइन कट कर रही है, कुछ स्टेप से मान लेते कट किया, सेंटर आपको मालूम होना चाहिए, इसका सेंटर क्या होगा बेटा, यहाँ पे सेंटर होगा 1, -2 सेंटर होगा। एंड व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 + 4 और -20 की जगह क्या हो जाएगा बेटा +20, मीन्स वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो अगर आपने इस पॉइंट पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया, पी क्यू को ज्वाइन किया है, तो पी से अगर ओ को ज्वाइन कर रहे हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी, ओपी इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इस लाइन में परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मान लीजिए ओ एम है, तो ओ एम की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ओ एम इज इक्वल टू आएगा क्या ना चाहिए बेटा, ध्यान से रखिएगा 1, -2 है पॉइंट, तो 1, -2 यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 4 × 1 - 3 × -2 एंड अ -10 एंड अ डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4² = 16 और -3 इसका बेटा 9। तो इसे चेकआउट कर लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आएगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब 4 + 6 = 10 मतलब ओ एम इज इक्वल टू आ जाना चाहिए 0। मीन्स क्या है कि ओ एम अगर परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये पी क्यू लाइन जो है ना वो एक्चुअल में ये सेंटर से पास हो रही होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा 0 हो गया, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, अगर ये सेंटर से पास हो रही है तो इसका जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होना चाहिए वो एज अ डायमीटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, डायमीटर होना चाहिए। मतलब अगर आप इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे, इंटरसेप्ट तो क्या हो गया, वो एक्चुअल में डायमीटर हो गया, और डायमीटर अगर है तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गया बेटा 10 आ गया, तो ये एक्चुअल में इसकी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यही मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यू मान लीजिए समथिंग के आ जाती, यहाँ पे समथिंग के आ जाती, तो क्या करते, तब आपको इंटरसेप्ट के बारे में बात करनी होती, तो वो करते 2 times ऑफ इन रूट ऑफ ओपी स्क्वायर मतलब समथिंग 5² मतलब 25 और माइनस का जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर थी उसके बाद, तो मान लीजिए के है तो यहाँ पे के इसका लिख दे, दिस वन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो जाता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे दूसरे फॉर्मेट के बारे में, और बात करेंगे हम लोग आज दूसरे फॉर्मेट की, और बात करेंगे हम लोग कि अगर कोई लाइन किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है या टच करती है या टच नहीं करती है तो क्या क्या केस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, लाइन इंटरसेक्ट / टच / नाइदर इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट और नॉर टच, इसके बारे में बात हो रही बेटा कि अगर मान लीजिए ये केसेज हैं तो व्हाट इज द कंडीशंस फॉर दिस स्टेटमेंट। ओके, तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है और इसको एक लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस टाइप से ड्रॉ कर लिए, एक लाइन है इसको टच कर रही, तो लाइन को हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, एक लाइन जो है वो इस सर्कल से बहुत डिस्टेंस से मेंटेन कर रही है, तो ये हो गया।
तो एक काम करना होता है, बहुत सिंपल सा काम होता है। अगर मान लीजिए सेंटर ओ है, इस पर लेंथ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ये परपेंडिकुलर की लेंथ जो होगी वो रेडियस से छोटी होगी, हो गया नहीं? ठीक है ना, ये रेडियस होगी और ये लेंथ आप परपेंडिकुलर, तो रेडियस तो यहाँ तक होगा, ठीक है ना। और ये लेंथ अगर हम बात करें, इसकी मेजरमेंट करनी चाहें, तो इसकी लेंथ क्या होगी? रेडियस से कम होगी। अगर लेंथ अगर सेंटर से टेंजेंट पे है और रेडियस और परपेंडिकुलर की लेंथ अगर इक्वल हो जाए, उस केस में क्या करेगी? टच करेगी। और अगर सेंटर से परपेंडिकुलर की लेंथ, ये देखिएगा, ये रेडियस से बड़ी हो जाए, मतलब अगर बात की जाए, हम यहाँ पे क्या करें, ओ एम परपेंडिकुलर लेंथ मान लेते हैं, यहाँ पे भी एम मान लिया है, यहाँ पर भी हमने एम मान लिया। तो इफ ओ एम, ओ एम विच इज लेस देन आर इंटरसेक्ट करेगी, ओ एम इज इक्वल टू आर टच करेगी, एंड ओ एम विच इज ग्रेटर देन रेडियस देन पासेज अवे फ्रॉम द सर्कल। ओके, तो कंडीशन क्या हो सकती है? ठीक है, तो इन कंडीशंस को अगर देखना है तो बहुत सिंपल सा केस है बेटा, कि हमारे पास जो एक सर्कल, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी आर सर्कल, एंड अ लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द लाइन। ओके, तो हम क्या करें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना बेटा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो जिसके बारे में हम बात करें ओ एम, तो ओ एम अगर इसका सेंटर देखा जाए तो सेंटर क्या होगा बेटा, जीरो जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो से अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, सी आता है, अपॉन में अंडर रूट क्या आता है, वन प्लस एम स्क्वायर आ जाता है। और ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर मान लीजिए रेडियस से छोटा है, मीन्स सी इज लेस देन आर इन रूट वन प्लस एम स्क्वायर, इन दिस केस इट इज इट इंटरसेक्ट। ओके, इक्वल आर हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि सी इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर हो जाए, और यहाँ पे देखिए आर की वजह हम लोगों ने रेडियस ए लिया है बेटा, तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग ए लिख लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उससे मैच कर जाएगा, ठीक है ना। और ग्रेटर देन ए हो जाए, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर ग्रेटर ए हो गया, मीन्स क्या हो गया बेटा, सी विच इज ग्रेटर देन ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर इंटरसेक्टिंग टच एंड गोइंग अवे फ्रॉम द सर्कल। ये थ्री कंडीशंस हैं बेटा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हो कि लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है। ओके, चलिए, तो ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा आर्टिकल था, और इसी आर्टिकल को कनेक्ट करते हुए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि अगर एक लाइन जो है टच करती है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। क्योंकि लाइन जो होती ना, जो लाइन जो होती है वो सर्कल को अगर मान लीजिए टच करती हुई जाती है, तो जब टच करती हुई जाएगी बेटा, तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि वो अगर टच कर रही है तो जिस पॉइंट पे टच कर रही होगी, उस पॉइंट पे लाइन और उस लाइन का पॉइंट और सर्कल का पॉइंट क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। मतलब उस पॉइंट के लिए वो लाइन और सर्कल दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे होंगे उस पॉइंट के लिए, ध्यान रखिएगा उस पॉइंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब केसेस को कैसे करना है उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपको सभी जगह यूज़ करना होता है, इवन एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सभी जगह यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है ना, ये कनेक्टिविटी अगर आप सीख जाते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आती, आप एक दूसरे से सबको लिंक करना सीख जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा उस कनेक्टिविटी के बारे में कि आप कैसे ही उसे सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी का कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इक्वेशन मान लीजिए आप एक जनरल इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ही लेते हैं बेटा, और जो कि बहुत आसान सा होता है, जो कि आपको समझने में भी आसान रहेगा। अगर मान लीजिए सर्कल दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है, एंड लाइन दी गई है, लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया गया है, विच टच द सर्कल। तो अब देखिएगा, इससे पहले वाला जो आर्टिकल हम लोगों ने किया था उसमें भी टच की कंडीशन हमने बता दी थी, इससे भी वही चीज़ें निकल के आएंगी, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें और भी बन के निकलती हैं, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अगर एक सर्कल है
जिसको एक लाइन टच कर रही है, इस पॉइंट पे मान लीजिए टच कर दिया, ठीक ना। तो इस पॉइंट को अगर मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स कमा वाई है, तो इस पॉइंट के लिए सर्कल और इस लाइन दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी लाइन है, वो लाइन जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगी, मीन्स लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि वाई एक पॉइंट हो गया, वाई पॉइंट की वैल्यू क्या है, एम एक्स प्लस सी है, क्योंकि हमने एक्स एंड वाई लिया हुआ है, तो वाई इज अ एम एक्स प्लस सी विल सेटिस्फाई विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। मीन्स आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह क्या लिख दिया बेटा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिख लिया ए स्क्वायर। इसे एक आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो देखिएगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एम एक्स सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इसे क्वाड्रेटिक तो आपको बना लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर कॉमन वन प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का आएगा एक्स का जो कोफिशियंट है वो है टू एम सी, और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई, एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, इट टच द सर्कल, अगर टच कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास क्या होंगे, क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, टू रूट्स होते हैं, लेकिन अगर टच कर रहा है तो क्या रूट होंगे, सिंगल रूट होगा। तो इट हैज इक्वल रूट्स, इट हैज इक्वल रूट कॉन्सेप्ट, बिकॉज टच करेगा तो इक्वल रूट का ही कॉन्सेप्ट होता है, और जब इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट होता है इसका मतलब होता है डी स्क्वायर या बी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू जीरो लिख लेते बेटा हम लोग यहाँ पे, और इसका कॉन्सेप्ट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इट शुड बी जीरो। और अगर हमारे पास ये कंडीशन पता चल चुकी है तो अब देखिएगा ध्यान से कि हम क्या करने जा रहे हैं, डी की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे टू एम सी, तो टू एम सी का स्क्वायर फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए की वैल्यू है वन प्लस एम स्क्वायर, एंड आज सी की जो वैल्यू आ रही है वो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ रही है जीरो। ओके, यहाँ से फोर को कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास आएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई कीजिए बेटा सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस की जगह प्लस का आएगा ए स्क्वायर, और माइनस की जगह प्लस ये भी आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये सिस्टम कैंसिल हो जाना चाहिए, और यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट वन प्लस एम स्क्वायर। ओके, मीन्स सी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। मतलब अगर एक लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन को टच कर रही है तो ये कंडीशन आ जानी चाहिए, ठीक है। तो c की वैल्यू आ गई, अब देखो इस c की वैल्यू देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे c की टू वैल्यूज हैं, मतलब लाइन की ऑफ इक्वेशन या लाइन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करें, लाइन ऑफ टेंजेंट ध्यान सुनिएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। मीन्स हो क्या था बेटा, यहाँ पे c की जो वैल्यू है एक्चुअल में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, c की वैल्यू देखिए प्लस माइनस में आ गई। तो यहाँ पर जब भी बात आएगी ना बेटा, जब भी आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन होगी। तो जब भी लाइन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात आएगी तो यहाँ पे एक्चुअल में ये टेंजेंट्स का केस है, किसका केस हो रहा है, टेंजेंट्स का। क्यों केस हो रहा है, क्योंकि दो लाइनें आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो लाइनें क्यों आती हैं, दो लाइनें इसलिए आती है ना क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो लाइन है ना वो कुछ ऐसी होता किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से पास हो रही है और ये इसको टच कर रही है, तो हो सकता है वो ऐसी भी टच करे, ठीक है ना। तो एक लाइन पॉजिटिव वाली हो सकती है और एक लाइन नेगेटिव वाली हो सकती है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट पी मान सकते हैं एच कमा के से पास हो रही है, ठीक। तो ये केस होता है टेंजेंसी का। तो कभी भी टेंजेंसी का केस पूछा जाए और कोई भी कंडीशन पूछी जाए तो आप इसका यूज करते हैं, c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर का। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्या करना था आपको, आपको बात समझ में आ गई होगी। एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है, सर्कल की इक्वेशन में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन सब्स्टिट्यूट करनी है,
और उससे आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, और आपको क्या करना है, इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट लगा करके उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को जीरो कर लेना है। ये बात समझ में आ गई। सेम कॉन्सेप्ट आपके लिए पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी होता है कि एक लाइन जो है, अगर मान लीजिए एक लाइन किसी पैराबोला को टच करेगी तो पैराबोला में भी वो सेटिस्फाई करेगी, एलिप्स में भी सेटिस्फाई करेगी और हाइपरबोला में भी सेटिस्फाई करेगी। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको हर एक कोनिक के पार्ट में मिलता है। तो बात समझ में आ गई होगी, और इसको कनेक्ट कीजिएगा, इसको आप सभी जगह कनेक्ट कीजिएगा तो ईजिली आप उसे हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो बात करें बेटा हम लोग इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस की, कि क्या क्या कंडीशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के बारे में। हाँ तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर लें, और स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये जो क्वेश्चन दिया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल द लाइन दिस बी अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछा गया है। और अगर मान लीजिए लाइन जो है वो टेंजेंट है, तो टेंजेंट है इसका मतलब ये है कि आपको याद होना चाहिए कि C की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, मीन्स आपके पास कंडीशन है C स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर का कंडीशन। तो अगर आप इसको कंपेयर कर लें तो C की जो वैल्यू है दैट इज अ लैम्डा, सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या था बेटा, रेडियस था, तो ए का स्क्वायर कितना है 5 है, इना ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो एम जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 25, दैट इज अ लैम्डा स्क्वायर, सो वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो लैम्डा की वैल्यू आपके यहाँ से मिल सकती है। बात समझ आ रही है, तो इस टाइप से आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज करना होता है। ओके, तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था जिसे आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप से आपको कंपेयर करके सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे कि अगर मान लीजिए जो आपने कंडीशन फॉर टेंजेंसी निकाली थी उसका जो अप्रोच है, ठीक है ना, ये एडवांस के लिए अप्रोच होता है जो कि बहुत अच्छा सा अप्रोच है, कि आपके पास मान लीजिए कि जो कंडीशन फॉर टेंजेंसी थी या कंडीशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इसके लिए लिखा था मैंने बेटा वाई इज इक्वल टू लिखा था एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर लिखा था, जहाँ पे एक सर्कल हमने ले लिया था, ठीक है ना, जिसका सेंटर जो था वो 0 0 था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, और वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। ठीक ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। तो यहाँ पे दो लाइनें आई थी, टू लाइन्स जो थी वो कुछ इस टाइप से थी बेटा, एक आपने इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, और दूसरी लाइन हमने कुछ स्टेप से ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए P है जिससे पॉइंट से ये लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो ये टू लाइंस पास हो रही हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, तो इस पॉइंट को अगर मान लीजिए एच कमा के है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट पी एच कमा के दिया गया है और ये जो है लाइन है, एक का स्लोप मान लेते हैं m1 है और दूसरे का स्लोप m2 है, ठीक है ना, तो ये जो लाइन है आपके पास y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर है, तो अगर हम बात करें इसके लिए कि ये जो लाइन है, लाइन पासेज थ्रू कहाँ से पास हो रही बेटा, p h कॉमा k से पास हो रही है, तो h कॉमा k से पास हो रही है, तो इसका मतलब है इट सेटिस्फाई सेटिस्फाई करेगा, और जब सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप क्या कर सकते हैं कि एच वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, के पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा एम एच और जगह प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है, चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको हम ट्रांसफर कर लें इधर, तो ये आएगा के माइनस एम एच और इसका हम स्क्वायर करने जा रहे बेटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा और 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और इसको होल स्क्वायर का अगर हमने ओपन कर लिया, तो ओपन करते ही आपको मिलेगा के स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 के एम एच इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इसको देखते ही एक चीज़ समझ में आती है आपको कि जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक
के तो कांस्टेंट है क्योंकि एक पॉइंट गिवन है, तो एम की क्वाड्रेटिक बन जाती है। ठीक है, एम की जैसी आपको क्वाड्रेटिक बन गई तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे अरेंज कर लीजिए टर्म, आप इसे क्या कर लें, अरेंज कर लीजिए। अरेंज कैसे करना है आपको, एम इसका कॉमन ले लेना है, इक्वेशन आ गई एच स्क्वायर माइनस, इधर देखेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर आ गया, माइनस टू के एम एच आ गया है, और प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास आ गया, इज इक्वल टू जीरो। एम की क्वाड्रेटिक है जिसके स्लोप्स जो हैं वो हमने एज्यूम किया हुआ, लेट रूट्स, रूट्स आर एम वन एंड एम टू। ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिया होता बेटा एच और ए की वैल्यू आपको पता होती तो एम की क्वाड्रेटिक बन जाती, तो वहाँ से भी आपको क्या मिल जाता, एम वन और एम टू की वैल्यू आप निकाल सकते थे। तो अगर रूट्स एम वन और एम टू हैं तो इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स आप निकाल सकते हैं, एम वन एम टू की जो वैल्यू आएगी दैट इज अ टू के एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी, एंड अ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू आएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आना चाहिए बेटा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये जो केस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इससे आप एक डायरेक्ट रिजल्ट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो रिजल्ट आपके पास बन के आ गया है उसका हमें यूज़ कैसे करना है। ओके, तो जैसे ही आपने ये फाइंड आउट किया, अगर आपने इसको लर्न कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको लर्न कर लीजिए क्योंकि इसका यूज आप डायरेक्ट फिर करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू टू के एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अगर मान लीजिए कि जो टेंजेंट्स हैं, एक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, इफ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, जो आपके पास टेंजेंट्स दिए गए हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज 90 डिग्री, मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि टेंजेंट्स आर ऑर्थोगोनल, आपको पता होगा कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, कि जब लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी या कर्व्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं उस पॉइंट पर। तो केस कुछ ऐसा बन रहा बेटा, एक सर्कल है जो दो लाइनें हमने ड्रॉ की थी, डायरेक्ट की थी कुछ ऐसी, और एक लाइन इस टाइप से कुछ ड्रा हो जाए, ठीक है ना, और इसके बीच का जो एंगल आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, और ये पॉइंट क्या है, पी है, एच कॉमा के, ठीक है। तो अगर ऑर्थोगोनलिटी का केस है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो होगा हाँ, तो बेटा क्या आ गया था, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आ गया था माइनस का वन, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या है आपके पास, के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो आप इसे करेंगे के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन कर सकते हैं, मीन्स इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आएगी माइनस एच स्क्वायर एंड अब प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, दिस वन के स्क्वायर। ओके, और अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और ये जो वैल्यू आ रही है आपको कुछ ऐसी दिख रही है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर। ओके, एच ए क्या बेटा, पॉइंट है। अगर हम इसके पॉइंट के लोकस के बारे में बात करें, लोकस, तो लोकस क्या होना चाहिए था, तो जहाँ पे आपको पता है कि एच के दिया जाता है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं आप एक्स एंड वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा टू ए स्क्वायर। मतलब क्या है यहाँ पर, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, ये इक्वेशन भी रिप्रेजेंट कर दिया आपको सर्कल, क्या रिप्रेजेंट कर दिया, सर्कल को रिप्रेजेंट कर दिया, और सर्कल जिसका सेंटर क्या है, सेंटर जीरो जीरो है, और इसकी रेडियस जो है वो रेडियस है ए रूट टू है, ए रूट टू है। मतलब जो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर किसी सर्कल पे अगर टेंजेंट्स ड्रा हो रहे हैं उनके बीच का एंगल राइट एंगल है तो जो लोकस फॉर्म होगा वो दैट इज अ सर्कल फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फॉर्म अ सर्कल फॉर्म अ सर्कल एंड दिस सर्कल इज डिफाइंड एज अ
डायरेक्टर सर्कल, क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसे? डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको कि डायरेक्टर सर्कल क्या हो गया। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि डायरेक्टर सर्कल एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डायरेक्टर सर्कल क्या हो गया, वो टू टाइम्स आपने कर दिया, मतलब वो टू टाइम्स रेडियस जो होती है वो बड़ी हो जाती है। किसी भी सर्कल के केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो आपको दिया गया है, और आपसे पूछा गया कि भाई इसकी डायरेक्टर सर्कल बताइए। डायरेक्टर सर्कल एक तो ये हो गया, एक तो इसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, देन आपको बताना है डायरेक्टर सर्कल। ठीक है ना, दो केस है। तो हम बात करेंगे सेकंड के लिए, तो सेकंड का क्योंकि डायरेक्ट आपके पास एग्जांपल है, तो क्या करेंगे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और इसकी रेडियस जो है वो थ्री है, थ्री और कितने टाइम बढ़ जाता है बेटा, रूट टू टाइम्स बढ़ जाता है, थ्री रूट टू का स्क्वायर कर दिया आपने, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, नाइन टू जा 18 आ गई। सिंपल केस समझ में आ गया। अब इसके बारे में जब बात करनी है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को चेंज करेंगे। जो इक्वेशन आपके पास दी गई उसे आप एक काम करेंगे, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर किया बेटा हमने, ध्यान से देखिएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर किया। ठीक है, प्लस हमने किया वाई माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर कर लिया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, यहाँ से प्लस वन आएगा बेटा एक्स्ट्रा, तो हमने क्या किया माइनस वन कर लिया, यहाँ से क्या आएगा एक्स्ट्रा नाइन बाई फोर, तो उसे हमने कर दिया माइनस का नाइन बाई फोर, और ऑलरेडी आपके पास प्लस का फोर है इज इक्वल टू जीरो कर दिया। मीन्स जो इक्वेशन आ गया आपके पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया और प्लस क्या आ गया बेटा वाई माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फोर, थर्टीन माइनस थर्टीन बाई फोर, तो थर्टीन बाई फोर और माइनस का फोर हो गया, मतलब एक काम कर सकते हैं माइनस का सिक्सटीन आ जाएगा। तो एक काम करिएगा, ये इक्वेशन थोड़ी सी हम चेंज कर सकते हैं, ये इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो आसान सा हो जाएगा, ये माइनस कर लिया, इससे क्या होगा वैल्यू में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया इसे माइनस कर दिया है, क्योंकि वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए ना बेटा, तो सारी वैल्यूज कैसे आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएंगी। तो ये कितना हो गया 16 और प्लस का 13, तो ये वैल्यू होगी 29 डिवाइड बाई 4 हो गया। तो ये जो इक्वेशन आ गई, अब इसकी डायरेक्टर आप सर्कल निकाल दीजिए, क्योंकि देखिए सेंटर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, सेंटर तो एज इट इज रहती है, क्योंकि इक्वेशन कैसी होती है कॉन्सेंट्रिक होती है, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है कॉन्सेंट्रिक होती है, तो सेंटर आपका सेम रहेगा, मतलब एक्स प्लस वन होल स्क्वायर होगा प्लस वाई माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर होगा और प्लस इज इक्वल टू जो आपके पास रेडियस है, ये रेडियस है आपकी, रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस क्या होगी इन रूट ऑफ 29 बाई टू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको रूट टू टाइम्स कर लेना, तो रूट टू टाइम्स रूट 29 बाई टू और इसका हमें कर लेना है स्क्वायर, स्क्वायर जैसे ही आपने किया तो स्क्वायर करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि रूट 29 का 29 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नीचे 4, तो वैल्यू क्या जानी चाहिए बेटा, यहाँ पे 2 आ जानी चाहिए, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा बेटा, 2 ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है ना, तो ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो देखिएगा ये आंसर आएगा आपके पास एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो ये किस किस का हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालने का तरीका हो गया। ओके, अभी केस और करते हैं, अभी इसमें कुछ और केसेस भी बन सकते हैं, जैसे कि क्या बन सकता है, जैसे आपको प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या था बेटा, टू के एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ स्लोप था बेटा ये, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो है वो था
के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप था। ओके, देख लीजिए आप इसे एक बार, क्या था देखिए ध्यान से इस चीज को, क्या वैल्यू आई थी बेटा, क्या वैल्यू आई थी, 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या था, ये वैल्यू था k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। अगर ये केस आपको मालूम है और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको दोनों लाइनों का स्लोप पता है, ठीक है ना, अगर स्लोप्स मालूम है तो आप इसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसके एंगल के लिए भी फॉर्मूला निकाल देते हैं। ठीक है ना, लेट एंगल बी थीटा, लेट एंगल बी थीटा, लेट एंगल बी थीटा, अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन, क्या केस था बेटा, वन प्लस एम वन एम टू का केस होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसको देखते हैं कि एम वन माइनस एम टू को कैसे लिखते हैं बेटा, एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन एम टू, और ये हो गया अंडर रूट में, और इस केस में डिवाइड में कर सकते हैं वन प्लस एम वन एम टू कर सकते हैं। ठीक, हाँ बेटा, तो ये कंडीशन हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। भाई हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है, एम वन प्लस एम टू दिया हुआ है, वैल्यू क्या है इसका स्क्वायर, मतलब ये हो गया फोर के स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, माइनस फोर टाइम्स एम वन एम टू की वैल्यू होगी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में है बेटा, इन रूट है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये किस में है, रूट के अंदर है, और डिवाइड बाई जो वैल्यू आ रही है वो डिवाइड वैल्यू आ रही है वन प्लस एम वन एम टू, एम वन एम टू की वैल्यू क्या है, टू के एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पे जो भी केस हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या समझ में आ रहा है आपको, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ गई वो टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया, देखिएगा फोर बाहर निकल सकता है, तो हमने यहाँ से टू बाहर निकाल दिया, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल इसका बाहर निकालिएगा बेटा, देखिएगा क्या फ़ायदा मिलेगा हमें इसे, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल इसका बाहर निकाला तो रूट बाहर निकल आया। देन क्या करना है आपको, यहाँ फोर बाहर हो चुका है, ये स्क्वायर बाहर हो चुका है, तो बच क्या गया, के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस फोर बाहर हो चुका है, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल इसका बाहर निकाला था बेटा, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय करेंगे तो यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का टू के एच और डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू कम्प्लीट की कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई टू टाइम्स इन रूट ऑफ के स्क्वायर एच स्क्वायर, तो के स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ से माइनस का आएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर एच स्क्वायर मतलब प्लस का ए स्क्वायर एच स्क्वायर, ए स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर मतलब प्लस का ए स्क्वायर के स्क्वायर, और माइनस से माइनस प्लस तो मतलब माइनस ए पावर फोर आ जाएगा। ओके, और डिवाइड बाय आएगा आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस के एच आ जाएगा, और ये टेन थीटा की वैल्यू है, टू ए इसका बाहर निकाल सकते तो ए आएगा, और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो ध्यान से देखिएगा, तो एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रही है। ठीक है, और डिवाइड बाय जो वैल्यू आएगी आपके पास वो तो आपको समझ में आ रहा है, डिवाइड बाय वैल्यू क्या आ गया बेटा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू के एच आ जाएगी, और ये वैल्यू किसकी, टेन थीटा की है। ठीक है ना, ये केस आ जाता है, इसका मतलब सीधा सा है कि आपके पास एच के क्या है बेटा, पॉइंट है, एच के क्या है, पॉइंट है। अगर हम बात करें लोकस की, ठीक है ना, एंगल के फॉर्म में अगर लोकस के बारे में बात करेंगे तो एच और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एंड वाई हो जाएगी, जिसे आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है ना, अब एक चीज़ सोचिएगा, हम लोगों के पास एक सर्कल की इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन होती है। हम लोगों ने बात की थी एस वन, टेंजेंट के बारे में बात करते हैं, जब पॉइंट को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, इसका मतलब है जो पॉइंट था वो एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था,
तो रूट के अंदर जो वैल्यू उसे हम एस वन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो टू ए अंडर रूट, जो हम इसे याद करने का तरीका बता दें, एस वन हो गया डिवाइड बाई, देखिएगा एच स्क्वायर माइनस का प्लस का के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर कर लेते बेटा यहाँ पे। तो अगर इसे हम लोग प्लस का के स्क्वायर करें, ध्यान से देखिएगा, तो माइनस का के स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और इसे भी अरेंज अगर करें हम लोग इस टाइप से, देखिएगा ध्यान से कि हम लोग इसे अरेंज कैसे करें, एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने कर लिया, तो माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस का टू के एच माइनस के स्क्वायर हो गया। तो इसे हम लोग एच और के का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अगर हमारे पास एच स्क्वायर एक्स्ट्रा हो तो बन सकता है ना। तो ये भी क्या हो जाता है बेटा, ये भी एस वन लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं आप, इसे भी एस वन लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो गया, एस वन हो गया, ठीक ना। और प्लस का अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, के कॉमन ले लीजिए और टू एच माइनस का के लिख लेते हैं, ठीक है ना। दैट इज अ वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि एस वन एक्चुअल में क्या है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक ना। तो एंगल निकालना आपको समझ में आ जाना चाहिए और ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। और देखिए ये सारे प्रोसेस हमने इसलिए बता दिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एंगल आप कैसे निकालते हैं, अदरवाइज आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत होती नहीं है। क्योंकि अगर एक चीज़ समझिए कि आपके पास जो इक्वेशन दी गई है, अगर उसके स्लोप्स मालूम हो जाए, ठीक ना, अगर पॉइंट पता है आपको, एच के मालूम है, तो आपको स्लोप मालूम हो जाएगा। और जब स्लोप मालूम हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हमें कोई एक एग्जांपल होता, समझिएगा इसे अच्छे से, कि अगर मान लीजिए कोई एक एग्जांपल दिया जाता और आपसे कहा जाता कि भाई एंगल निकालिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, हमने लिख लिया, ठीक ना, ऑफ सर्कल लिख लिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने फोर ले लिया है, ठीक ना, एंड पासेज थ्रू विच पासेज थ्रू, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट जो होगा इसके बाहर होना चाहिए। तो हम सिंपल से काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे थ्री और टू अगर लगा देंगे तब भी बाहर हो जाएगा, तो थ्री और टू ले लिया हमने, थ्री टू ले लिया, ठीक ना, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ठीक ना, हमने एक रफली एग्जांपल ले लिया जिससे आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा। अब थ्री टू से पास हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर हो जाएगी, ठीक ना। अब आप क्या करते हैं, वाई की जगह टू पुट कर लेते हैं और माइनस का एम, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, थ्री आ जाएगा, और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि अब जो लाइन ऑफ इक्वेशंस हैं वो कहाँ से पास हो रही है, थ्री टू से पास हो रही है, तो सेटिस्फाई करेंगी। ए की वैल्यू क्या बेटा, टू है, तो टू का स्क्वायर मतलब फोर हो गया, और ये हो गया वन प्लस एम स्क्वायर, ओके। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आएगा, नाइन एम स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा माइनस का सिक्स और ट्वेल्व एम हो जाना चाहिए, और फिर आएगा प्लस का फोर इज इक्वल टू आ गया फोर, और ये आ गया प्लस का फोर एम स्क्वायर। ट्रांसफर कर लीजिए बेटा, तो वैल्यू आएगी फाइव एम स्क्वायर, और ये आएगा माइनस का ट्वेल्व एम इज इक्वल टू जीरो। सो एक एम की वैल्यू आएगी जीरो और दूसरे एम की वैल्यू आएगी ट्वेल्व अपॉन फाइव। तो ये एम वन और आपके पास एम टू आ गया। जब एम वन एम टू आ ही चुका है तो एंगल निकालना तो बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। एक का स्लोप क्या होता है, जीरो है, दूसरे का स्लोप क्या है, ट्वेल्व बाई फाइव। तो स्लोप क्या आएगा, 12 बाई फाइव आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए इस टाइप से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि भाई एक लाइन स्टैक पैरेलल है और दूसरी लाइन क्या है, इस टाइप से ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और दूसरे का स्लोप क्या है भाई, कितना है, 12 बाई फाइव है, तो ये तो आना चाहिए। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 12 बाई फाइव होगी। तो अगर आप चाहें तो टेन थीटा इज इक्वल टू लगा दीजिए, एम वन माइनस एम टू, तो जीरो माइनस का 12 बाई फाइव और डिवाइड बाई वन माइनस एम वन एम टू की वैल्यू जीरो, तो वैल्यू क्या आ गई, 12 बाई फाइव आ जाएगी। क्योंकि जब आपको पता है कि वैल्यू क्या होती है, इधर मैग्नीट्यूड, सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 12 अपॉन 5। सो दिस इज द आर्टिकल फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। और ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने इस लेक्चर में एक चीज़ सीख ली कि आप डायरेक्टर सर्कल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर मान लीजिए कोई लाइन है और टेंजेंट्स दी हुई है किसी भी सर्कल के ऊपर, तो उस टेंजेंट्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और उसका फॉर्मूला भी जो है वो हम लोगों ने डेवलप करना सीखा, ठीक है।
स्लोप ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात की कि आप स्लोप ऑफ प्रोडक्ट अगर माइनस वन है मतलब एंगल क्या है उसके बीच का अगर राइट एंगल है तो क्या बन जाता है बेटा उसका लोकस डायरेक्टर सर्कल बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी ठीक है। और भी बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा ठीक है। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं।